दोस्तों, कैसा लग रहा है? क्या लग रहा हूँ मैं? विलन लग रहा हूँ, रजनीकांत हीरो लग रहा हूँ? ये अब बिल्कुल वेलकम टू माय चैनल लाइफ एक्सप्रेस। तो जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, हम कहाँ आ गए हैं, फिर ये पीछे लिखा हुआ है संत अतुलानंद कॉलेज। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए। देखिए कितने लोग पेपर देने हुए आए हैं पीछे, जैसा कि देख सकते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं। जैसे कि मैं अपने भाई का एग्ज़ाम दिलवाने, तो हमने कहा कि इसी बहाने में अपने यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देता हूँ। देखिए संत अतुलानंद कॉन्वेंट, जो कि वाराणसी का फेमस कॉलेज है, इसके 2-3 ब्रांचेस चलते हैं, इसके 100 के लगभग बसेस चलते हैं। और ये यहाँ का नज़ारा देखिए बहुत ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और देखिए लोग बच्चे गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और ये देखिए बास्केट फोर्ट भी अंदर है। और ये देखिए कॉलेज कितना बड़ा है, जैसे कि हमने जूम करके दिखा ही रहा है। और इसके अंदर ATM से लेकर हर चीज़ की सुविधाएँ आपको मिल। इधर देखिए लिस्ट लग चुकी है कि आपका जो रोल नंबर है आप मैच करके अपने कमरे में जा सकते हैं। तो मेरा भाई भी गया है देखने के लिए, तो हमने कहा आपको, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम देखिए अभी पार्किंग में खड़े हैं गाड़ी पार्क करके। ये देखिए यहाँ की इतनी बड़ी पार्किंग है, जैसा कि हमने बताया है। और यहाँ पे कम से कम 300 लोगों को रोज़गार दिया गया हुआ है। और यहाँ की व्यवस्थाएं के साथ साथ यहाँ के लोगों का नेचर जो था हमको बहुत ही अच्छा लगा। डाउन टू अर्थ लोगों का नेचर है। बाहर का दृश्य मस्त है। और पढ़ाकू लड़का मोबाइल में पढ़ रहा है। पॉइंट है, और सबसे बढ़िया टर्निंग पॉइंट पे दुर्घटना हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये कांच लगा दिया गया है। बच्चे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, हम लोग पहले ही आ गए थे, और कुछ जैसे कुछ बच्चे भी आ गए हैं पहले, तो लोग अभी जा रहे हैं कागज देने। ये संत अतुलानंद के सामने का जगह है। ये जो एरिया है बहुत ही VIP एरिया लग रहा है। ये देखिए गेट एंट्री यहाँ पर चालू है। ये मेरा भाई भी गेट के अंदर जा रहा है, तो मैं इसको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाए। और वहाँ पर सेकंड एंट्री है। जो व्यवस्थापक, जो टीचर और जो लोग भी थे, उनका नेचर एकदम बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अस्थाई से बात कर रहे थे, बहुत प्यार से लोगों को समझा रहे थे। भाई तो चला गया एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैंने कहा चलो कुछ खाते हैं, मुझको लगी थी भूख, तो मैंने देखिए पूरी सब्जी खाया। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए बास्केटबॉल कोर्ट है, और जो इस कॉलेज में बना हुआ है काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के भी खिलाड़ी आके खेल चुके हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है? क्या लग रहा हूँ मैं? विलन लग रहा हूँ, रजनीकांत हीरो लग रहा हूँ? ये अब बिल्कुल। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो और स्कूल देख के हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरा भाई गया है अभी सेकंड पेपर देने के लिए, तो मैं बैठा हूँ। और इधर देखिए जो संख्या लोग ये बैठे हैं बास्केट कोर्ट में, तो चलिए चलते हैं। मतलब मैं तो जा ही रहा हूँ, आप लोग भी चलिए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा प्लीज़, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। कहने का मतलब है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आप लोग ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये कॉलेज के अंदर का दृश्य है, और जो मैं बास्केटबॉल फोर्ट में बैठ के लिया हूँ, क्योंकि कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा है, तो दूसरे गेट के अंदर एंट्री नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दिया। ये सामने जो दिख रहा है, ये सब ग्राउंड है, इसमें बास्केटबॉल ग्राउंड जैसा कि आपने देखा ही, बैडमिंटन है, क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, इत्यादि ग्राउंड। इस कॉलेज में कई बैच चलते हैं, तीनों शिफ्ट में स्कूल चलता रहता है, और कई क्षेत्रों में पढ़ाइयाँ होती रहती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे रोज़गार सबको दिए गए हैं। कॉलेज की छुट्टी हो गई है, दोनों पेपर हो गया है, तो सब लोग घर की तरफ जल्दी से जल्दी रवाना हो रहे हैं कि हम लोग कब घर जल्दी पहुँचें। कुछ लोग थक गए होंगे, कुछ लोगों को भूख लगा होगा, सोच रहे होंगे जल्दी से जल्दी नाश्ता वास्ता करके हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो जाएँ। दोस्तों जैसा कि देख रहे होंगे छुट्टी हो गई है, और सब लोग अपने घर पर जा रहे हैं एग्ज़ाम दे दे के। भैया जिसका बढ़िया पेपर गया होगा खुश होगा, जिसका बेकार गया होगा वो सोचा नेक्स्ट टाइम में कर देंगे, जिसका एकदम बेकार गया होगा वो सोच
सोच रहा हूँ यार हमको देने ही नहीं आना चाहिए था, और कुछ लोग तो सोच रहे हैं हम किस मुंह से घर जाएं, जो तैयारी करते हैं उनका अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि मम्मी पापा का यही पढ़ाई किए थे, इलाहाबाद तुमको पैसा लगा के भेजा हूँ, तो कुछ लोग डायरेक्ट चोरी चोरी इलाहाबाद पहुँच जाएंगे, घर पे बोल के अच्छा है। तो कैसा लगा वीडियो, प्लेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लेस बहुत ही अच्छा था और यहाँ की व्यवस्थाएँ हमको बहुत अच्छी लगी। तो चलिए चलते हैं, मैं भी मतलब चलते हैं, आप वीडियो देख लिए तो चलिए, और मैं चलता हूँ घर पे। बाय बाय।